नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। दिनांक की बात कर तो 19/4/2023 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया, यानी आज यानी कि 19/4/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया। इसमें कितना पैसा जारी किया गया देख सकते, बताया गया 93,67,000 रुपया जारी किया गया। और ये पैसा क्यों जारी किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही नोटिफिकेशन खास होने वाला है आपके लिए। तो चलिए देरी किए बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाने में। एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं आपके डिस्प्ले वो नोटिफिकेशन दिखलाई दे जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। प्रशासन की बात कर कल्पना कुमारी जो अनुश्रवण पदाधिकारी है पंचायती राज विभाग के, सेवा में बताएगा प्रभारी प्राचार्य यानी मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान और जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान पटना गया सारण मुजफ्फरपुर भागलपुर दरभंगा पूर्णिया सहरसा एवं मुंगेर जिला, ठीक है। यानी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इतने जिले के लेकर, तो क्यों बताएगा प्रभारी प्राचार्य यानी मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान और जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान पटना जिला गया जिला सारण मुजफ्फरपुर भागलपुर दरभंगा पूर्णिया सहरसा एवं मुंगेर जिला। अगर आप इस जिले से आते हैं तो आपके लिए वीडियो है ही यही। अगर आप अदर जिले से आते हैं, आपका जिला का नाम है, तो भी आप वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। हो सकता है आगे का नेक्स्ट जो इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो कहीं आपके जिले का हो, तो आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी समझ में आ जाएगी ये क्या जानकारी दिया है, क्यों पैसा जारी किया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। विषय में जानकारी दिया जैसे विषय में बताया वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबंध व्यय अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2,515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 003 प्रशिक्षण उप शीर्ष 0001 कर्मचारियों का प्रशिक्षण करके पंचायत मद से कुल कितना तक 93,67,000 रुपया मात्र राशि का आवंटन किया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। जो भी कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण होता है करके यानी पंचायत मद से कुल 93,67,000 रुपया जारी किया गया। और भी जानकारी संबंध में आ जाएगी कि ये जो पैसा जारी किया क्यों जारी किया गया है बताएगा, देख सकते हैं बताएगा महाशय में विषय के बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी और व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाई बार अंकित यानी कुल 93,67,000 रुपया मात्र राशि का आवंटन की जाती है, ठीक है। जो भी बात किया गया है नोटिफिकेशन के उपयुक्त विषय के बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार, विवरणी भी आपको दिखलाएंगे कितना विवरणी हुआ है, अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद नाम के सामान्य इकाई बार अंकित कुल 93,67,000 रुपया मात्र राशि का आवंटन की जाती है। इसमें भी जानकारी दिया दूसरे में बताया गया यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या यानी इतना के 17 अप्रैल 1998 430 दिनांक 28 मार्च 2023 के निहित अनुदेशकों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। बताया तीसरे नंबर बताया इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य होंगे जो राशि के निकासी संबंधी जिला कोषागार से करेंगे, ठीक है। जो राशि के निकासी जो करेंगे कौन करेंगे तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधी प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य होंगे, ठीक है। जो भी इस प्रशिक्षण होता है उसके जो प्रभारी होंगे वही प्राचार्य होंगे जो राशि के निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे। इसमें बताया गया चौथे नंबर देख सकते हैं सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार का बकाया वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है तो उसका भुगतान किया जाए, तत्पश्चात अवशेष राशि के नियमित वेतन का भुगतान किया जाए, यदि इसके बाद भी राशि का अवशेष रह जाती है तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है, ठीक है। यानी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बताया गया सर्वप्रथम इस आवंटित राशि का जो राशि जारी हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार का बकाया वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, ठीक है, तो उसका भुगतान किया जाए, तत्पश्चात अवशेष जो पैसा जो बच रहा है राशि का नियमित वेतन का भुगतान किया जाए, यदि इसके बाद भी राशि का अवशेष रहती है यानी इस सारी चीज करने के बाद अगर राशि बचता है तो उससे नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है, ठीक है, यह जानकारी दिया गया, ठीक है। और भी जानकारी दे सकते पचन बताया गया आमंत्रित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्ति कर्मी का ही किया जाए, यदि कोई छदमपुरी या अनियमितता निकासी होती तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निकासी व्ययन पदाधिकारी की होगी, ठीक है। यानी जो भी पैसा जारी किया गया यानी कि जो पैसा जारी किया है नियुक्ति कर्मी की किया जाए, यदि अगर दूसरी कोई अगर पैसा अगर जाता है इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है निकासी व्ययन पदाधिकारी की जाएगी, ठीक है।
यानी इसकी होगी जिम्मेदारी, ये सारा जानकारी दिया गया था आपको। ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर नोटिफिकेशन ले सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमने जो जानकारी दिया आपको समझ में आए, तो नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा, सारा जानकारी दिया गया। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देख सकते विवरणी भी समझाया गया है, तो थोड़ा मोबाइल में भी अलग अलग जिले को लेकर पैसे जारी किया उसका विवरणी आपके सामने दिखलाई दे रहा है, यानी कौन से जिले में और कितना जारी किया गया पैसे, इसमें सारा जानकारी दिया बताया गया। संस्थान का नाम, उसके बाद निकासी विवरण पत्रकारी, उसके बाद बताएगा वेतन और उसके बाद राशि बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान पटना के लिए, जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान गया जिले के लिए, जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान ताना जिले के, यानी इसमें जिला बात दिया गया जो भी प्रशिक्षण का नाम इसमें दिया गया। और सुबह जैसे निकासी विवरण पत्रकारी को बताया गया प्रभारी प्राचार्य पटना, प्रभारी प्राचार्य गया, प्रभारी प्राचार्य सारण, ठीक है, जिला वाइज इसमें प्रभारी प्राचार्य होंगे। उसके बाद जो वेतन किया गया देख सकते इसमें इतना वेतन जो जारी किया टोटल मिलाकर यहाँ पे जोड़ दिया गया कुल कितना हुआ इसमें टोटल समझा दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जिले को लेकर यानी अलग अलग पैसे इसमें जारी किया गया है, जो भी जिला के इसमें बताया गया, सारण जिला, मुजफ्फरपुर जिला, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, यानी अलग अलग जिले को लेकर अलग अलग टाइम पे और पैसा जारी किया गया, टोटल जो जोड़ा गया 93,67,000 रुपये मात्र राशि का आवंटन किया गया पंचायती राज विभाग की तरफ से। यहाँ से देख सकते कुल जो जोड़ कर यहाँ से समझाया गया, ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी प्रकार का दिक्कत हो वीडियो को समझने में तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। एक बार पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि और भी जानकारी आपको मिल जाए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा।